जी थैंक यू भाई जी जी। अरे राखी जी क्या बात क्या बात है राखी जी राइट से आदिल भाई आइए आदिल भाई आ जाइए थोड़ा पीछे बहुत नज़र लग रही है हाँ आदिल और मैं बीमार हो रहे चलो बैठ ला भाई घूम लिया आज बैंड्रा में ना हाँ जी आई एम हैप्पी कि सलमान जी को गन का लाइसेंस मिल गया इज दैट ट्रू यस सर रेडी पूछेंगे अच्छा रोल सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू आज आप सर की मॉम डैड फैमिली से मिलने आए हो ऐसा हमें सुनने में आया तो क्या ये सच नहीं उनकी फैमिली आई है डेफिनेटली तो आप उनसे मिलोगे सिर्फ डिनर कर रहे जी तो क्या कुछ ताज में हम लोग डिनर कर रहे हैं या आई एम हैप्पी तो मिलने के बाद क्या कुछ बोलने वाले हो उसके बारे में कुछ कुछ नहीं जस्ट डिनर करेंगे और वो मुझे देखेंगे मतलब मॉम डैड मतलब रियल मॉम डैड नहीं आए कजन आए हैं है ना या आपने राखी जी के बारे में क्या बताया मेरी फैमिली तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जानती है राखी के बारे में ऐसा नहीं कि दे डोंट नो बैंगलोर भी आ रही है राखी वेरी सून या तो आदिल सर के मॉम डैड से मिलने का कब है आपका प्लान वो जब भी मिलाएंगे तब तो। और आगे रिश्ता बढ़ सकता है एक्चुअली इनका खानदान दुरानी फैमिली मतलब बहुत है ना तो अभी आंटी अंकल वैसे सब लोग आ रहे हैं जी जी हमारा डिनर है या तो क्या कुछ तैयारी की है आज के लिए थोड़ा नर्वसनेस नर्वस तो हूँ मैं बट मेरे साथ आदिल है इसलिए मैं डरती नहीं मतलब आदिल ने आपको सब कुछ ट्रेन कर दिया है क्या फुल ट्रेन कैसे बोलना है कैसे रहना है कैसे इम्प्रेस करना है हाल ही में आप लोग दुबई गए थे उस ट्रिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कितना एंजॉय किया आप आपको डॉक्टर की कोई डिग्री कैसे सुनने में आया है MBBS किया है मैंने डॉक्टरेट मिला है राखी को डॉक्टरेट राखी मतलब वो एक अवार्ड मिलता है ना वैसे कोई इतना डरो मत कि मैं किसी के MBBS ये डिग्री लेके ऑपरेशन करने चली जाऊंगी उसको डॉक्टरेट मिला है फॉर सोशल सर्विसेज सोशल सर्विसेज के आई स्वेयर मैं कहती हूँ मुझसे ऑपरेशन करवा लो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे वो वाली डॉक्टर नहीं है सोशल सर्विसेज के लिए डॉक्टरेट अवार्ड दिए देखो आदिल मुझे कितना करेक्ट करते हैं मेरी जिंदगी का सही लाइफ पार्टनर है बड़ा आपका सच बता दूँ आदिल खुद एक डॉक्टर है Really? नहीं मेरे दोस्त डॉक्टर थे तो मैं उनके साथ पढ़ता था आई यूज्ड टू तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं नहीं मुझे तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने सब कुछ सर्जरी के बारे में मेडिसिन के बारे में सब बताते हैं तो फिर ऐसा लगा कि अरे आपको कैसे पता I told you, I used to study. मेरे को कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरे को कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट था तो मेरे दोस्त जो थे पूरे डॉक्टर्स तो पढ़ाई करते थे डॉक्टर आई नो एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू ए यू टोल्ड मी इसको एक बार मैं डांटा बिकॉज़ कुछ गलत गलत गोली खा रही थी तो ऐसा बोला मैं बस तो राखी जी रक्षाबंधन आने वाला है तो राखी जी किन किन बॉलीवुड भाइयों को राखी बांधते हुए दिखेंगे अभी जो एक दिन है ना मेरी फोटो इतनी वायरल होने वाली है ना रक्षाबंधन के दिन राखी आई एम सेंडिंग यू राखी और ये सब मेरी फोटो भेज देते मत करो ऐसा अरे मुझे आदिल के लिए रहने दो सो एट द एंड सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया उसके बारे में आई एम डैम हैप्पी बहुत हैप्पी हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं तो बोलती हूँ सलमान सर आप टेंशन मत लो आपको कुछ नहीं होगा देश की पूरी जनता की दुआएं उनके साथ हैं और मैं भी उनके लिए दिन रात प्रे करती हूँ मैंने उनके गन लाइसेंस के लिए मैंने प्रे किया था कि गॉड उनको गन का लाइसेंस मिल जाए तो वो अपनी सेफ्टी के लिए फिर यू नो गन रख सकते हैं एंड कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तो सलमान खान की बॉडीगार्ड बन सकती हूँ अच्छा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट मतलब अगर मैं वो ऐसे चल रहे अगर मैं उनके आगे से चलूँ अगर कोई गोली मारने वाला होगा तो मुझे लग जाएगी ना भाई को नहीं लगेगी मैं क्या करूँगा सलमान सर की बॉडीगार्ड आप फिर आदिल भाई आप क्या करोगे वो तुमको पूछ रहे हैं हम तुमको पूछ रहे हैं सब लोग क्या तुम क्या करोगी मैं क्या करूँगा
किस बारे में क्या करोगे? तुम सलमान भाई के बॉडीगार्ड बन गए तो आप गोली लगा रहोगे ना? अच्छा मुझे भी गोली लगा दोगी क्या? नहीं ऐसा थोड़ी ना, कोई गोली का खाने का काम थोड़ी जो कोई मार के जाएगा। सो एट द एंड आपकी रील्स काफी, उनके पास और बहुत सारे सिक्योरिटी रहती है। सो एट द एंड आपकी रील्स काफी वायरल होते हैं, आप काफी ट्रेंडिंग में रहते हो, आपको प्यार देने वाली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कि मेरे और आदिल के लिए दुआ मांगो कि आज जो मैं जा रही हूँ डिनर में उनको मैं पसंद आ जाऊँ, और मैंने इनकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ बस। वैसे ब्रॉड माइंडेड है इनकी फैमिली, आंटी सब लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। सबसे ज़्यादा तो आदिल है, आदिल मेरे सारे नखरे उठाता है। से समथिंग थैंक यू कन्नड़ा भी क्या हो रहा भाई? अबे किसी को फोटो लेना सामने खड़े रहो ना बुआ। ये फोटो मचा नहीं आ जाओ। हां हम निकाल नहीं जाना, ये लो ना सर भाई। जाओ जाओ राखी जी, फोटो चाहिए इसका।